हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे। अपना जो सुपर अल्गो इंडिकेटर है इसका यूज़ करके आज मैं लाइव ट्रेड करके आपको बताऊंगा कि सुपर अल्गो इंडिकेटर का यूज़ करके हम लोग कैसे लाइव ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन रखा है और इसके अंदर अगर कोई कॉल बाय या पुट बाय का सिग्नल बनेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है और इसके अंदर देखिए एक साथ आपको देखिए वी वैप, सुपर ट्रेंड, RSI, एल्डर इम्पल्स, EMA मिल जाएंगे 9 से लेकर 200 तक, फिर बोलिंजर बैंड, एग्जिट फीचर है, प्रीवियस डे हाई लो, ऐसे फीचर जो है सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कैंडल में कोई हमें बाय और सेल का सिग्नल मिलेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाने वाले हैं। ठीक है, मार्केट देखा जाए तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट गैप अप है, निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप है। ठीक है, सेंसेक्स भी 300 पॉइंट गैप अप खुला है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही कोई सिग्नल बनेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कॉल बाय या पुट बाय के। ठीक है, कॉल बाय का मतलब कॉल साइड जाना है, पुट बाय का मतलब पुट साइड जाना है। जैसे ही सिग्नल बनेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाने वाले, तो देखते रहते हैं। अगर कोई सिग्नल बनता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, जैसे डेटा अपडेट होगा तो हमें कॉल राइटर और पुट राइटर की दोनों की पोजीशन यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें पुट बाय का सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, पुट बाय का सिग्नल अपीयर हुआ था, जैसे पुट बाय का सिग्नल कंफर्म होगा हम पुट साइड की एंट्री यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, पुट साइड की एंट्री बनाएंगे, अगर पुट बाय का सिग्नल कंफर्म होता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय की एंट्री बनाएंगे। पुट बाय का सिग्नल कंफर्म होना चाहिए तभी हम लोग पुट बाय की एंट्री बनाएंगे। अभी 20 सेकेंड बाकी है, 20 सेकेंड में अगर पुट बाय कन्फर्म होता है तो यहाँ पर मैं पुट साइड की एंट्री बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, जनरली हम लोग 3 मिनट का यूज़ करते हैं बट मैं स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट यूज़ करता हूँ। अगर ये पुट बाय कंफर्म होता है तो यहाँ पे मैं पुट साइड की एंट्री यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ऊपर का हम लोग SL लगा देंगे। ठीक है, कंफर्म हो रहा है सिग्नल। ठीक है, हाँ ठीक है, कन्फर्म हो गया, तो मैंने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री यहाँ पर बना ली है क्योंकि यहाँ पर पुट बाय का सिग्नल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर ली है, देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 120 रुपीज़, 130 रुपीज़। ठीक है, पुट बाय का सिग्नल बना था इसलिए हमने पुट साइड की एंट्री बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेल करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा 30 पॉइंट का टारगेट, 30 पॉइंट का SL, इसके ऊपर निकलेगा तो हम SL ले लेंगे और नीचे जाएगा तो इसके नीचे का मेरा टारगेट रहेगा। तो ठीक है, तो पुट बाय का सिग्नल बना है, हमने एंट्री बना ली है, ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ट्रेड में से। ठीक है, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना है, पुट बाय का सिग्नल है, हम लोग यहाँ पे पुट बाय करके नीचे की हमने अपना व्यू रखा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए। ऊपर जो पुट बाय का ऊपर का रहता है वो SL रहता है। ठीक है, इसके ऊपर हम SL लगा देंगे, मैं पोजीशन लगा देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है इस जगह पे और हम यहाँ का या फिर यहाँ का SL लगा सकते हैं। ठीक है, इस जगह का SL लगा के छोड़ देते हैं, ये जो हाई है, टारगेट हम 200 EMA तक रख सकते हैं, टारगेट हम 200 EMA तक का रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट 200 EMA तक हो सकता है टारगेट। ओके, तो वेट करते हैं, पोजीशन बना ली है हमने अब। ठीक है, हमें नीचे के टारगेट मिल सकता है। ओके, वेट करेंगे हम लोग, ऊपर का SL रहेगा, नीचे का टारगेट है हमारा। ठीक है, देखते रहते हैं कितना पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया काम करता है और जब भी ये सिग्नल देता है हमें कुछ पॉइंट्स ज़रूर बना के देता है। जैसे कि देखिए 200 का प्रॉफिट, ठीक है, 45, अभी थोड़ा एक कैंडल बड़ी से नीचे बन जाएगी ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा बन जाएगा। ठीक है, मैं 1000 रुपीज़ तक का ही टारगेट रखता हूँ। ठीक है, 1000 रुपीज़, क्योंकि 1 मिनट स्कैल्पिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 45 क्वांटिटी है ना तो हम लोग 20 पॉइंट कैप्चर करेंगे इस ट्रेड में। ठीक है, 20 पॉइंट्स ही कैप्चर करेंगे। ठीक है, 20 पॉइंट्स या फिर 10, एंट्री हमारी 275 पे है, हाँ 20 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, 20 पॉइंट अगर मिल जाए तो फिर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा पोजीशन चल रही है, चलने देते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए 10 पॉइंट मिल चुके हैं। ओके,
बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, मिल चुके हैं, ठीक है, मिल चुके हैं। कैंडल नीचे जाके ऊपर आ गए, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि कैंडल ने बहुत अच्छा स्पाइक दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नीचे जाके कैंडल नहीं है, ऊपर आई है। बाकी टारगेट तो कंप्लीट कर दिया था इसने हमारा, ठीक है, अब ये ऊपर निकल सकती है, क्योंकि ट्रैप किया है इसने। कोई बात नहीं, वेट करेंगे हम लोग, ठीक है, ट्रैप किया है सेलर्स को। ओके, सबके एसएल खाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो कोई बात नहीं, अब वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, एसएल तक वेट कर लेते हैं। ऊपर का एसएल लगाया है हमने, नीचे तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है, ऊपर का एसएल है, नीचे का टारगेट है, वेट कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 1000 रुपीज़ तक गया था, उसके बाद वो नीचे तुरंत ये कैंडल, मतलब पलक झपकते ही कैंडल ऊपर चलेगी, ठीक है, तो इस बार मैं बुक कर लूँगा, ठीक है, इस बार अगर नीचे जाएगी कैंडल तो मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। 500 600 का प्रॉफिट या 700 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ओके, इस बार अगर नीचे जाएगी तो हम बुक करने की सोचेंगे। बाकी देखिए, ये रिस्क टू रिवॉर्ड है कि 5% का रिटर्न ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, 5 6% का रिटर्न है, ठीक है, तो ठीक है, बुक कर लेते हैं एक बार। मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं अपने पोजिशन। ओके, हाँ, 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 900, ठीक है, अब मैं यहाँ एग्जिट करने वाला हूँ, ठीक है, एग्जिट बना लेते हैं, अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एग्जिट पोजीशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, तो करीबन 873 रुपीज़ का प्रॉफिट है। देखिए, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, मैं लोगों को बताने के लिए स्कैल्प करता हूँ, तो वो ट्रेड है और कुछ नहीं है, ठीक है। और नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है, और नीचे आ सकता है, देखिए बहुत अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है, पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, इतना प्रॉफिट भी बहुत हो गया, ठीक है। ये थे, मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ वीडियो, कि हमारा जो पुट बाय कॉल बाय का सिग्नल कैसे काम करता है इसके लिए। तो देखिए, जब भी सिग्नल बनता है आपको सेल साइड की एंट्री बनाने नहीं है, ऊपर का एसएल लगा देना है, उसके बाद आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत हुआ, और अगर आप सुपर अल्गो इंडिकेटर के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।